कान्हा जी, आप तो मेरे बापू को जानते हो ना, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते। फिर आपने पुलिस को उन्हें क्यों ले जाने दिया? कान्हा जी, आज मेरे माँ बापू कितने खुश थे और आपने फिर से उन्हें परेशान कर दिया। मैंने कभी कोई गलत काम ना किया और मेरे माँ बापू ने भी किसी को नुकसान ना पहुंचाया, आप हमें इतना दुख क्यों देते हो कान्हा जी? अरे क्या हुआ? हाँ क्या हुआ बता ना, मैं हूँ ना। अरे अपनी दादी को बता ना, कहीं रो बे तू। अरे ना रो लाले सर, ना रो ना रो। क्या बात है, भूख लगी है तने? हाँ अच्छा जो बात है। अरे आनंद जी, अरे आनंद जी, आई दादी सा। जा इसे जाकर अपनी ताई सा को दे दे, भूख लगी है शायद। आंखें कहीं सूजी है थारी, क्या कर रही थी? दादी सा, वो मैं पूजा घर में थी। अपने बापू के लिए जगावे भगवान को इस वक्त? अरे ईश्वर, कोई तो पाप किया होगा मैंने जो आपने हमारे बेटों को ऐसे ऐसे रिश्ते दिलवाए। अरे जो हमारे घर की बींदनिया और उनके घर वाले, घर की शोभा बढ़ना तो दूर, हर मौके पे हमारी जगह हसाई कराने के नए नए तरीके ढूंढ लावे। अरे अब रो मत, पहली थारे बापू ने चांद तारे टाक दिए हमारी हवेली की शोभा में, अब बाकी कसर तू मातम करके पूरी कर ले। चल ले जाए इसे। मारो तो माथा ही सुन्न हो जावे इनकी रोज के तमाशे देख के। साफ साफ कहूं तो ये बहुत ही पेचीदा मामला है, जमानत मिलना बहुत मुश्किल है, देश की सुरक्षा का मामला है और ऐसे मामलों में जज बहुत सख्ती से काम लेते हैं। अगर हमने अदालत में बेल की अपील की तो पुलिस छानबीन के लिए खजान सिंह की रिमांड की मांग करेगी, और सब कुछ देखते हुए ये लगता है कि पलड़ा पुलिस का ही भारी है। निर्दोष पर जुल्म होने दे रहे माता रानी, ये बिगाड़ हमने किसी का, ना जाने किस बात की सजा मिल रही है हमें। इधर देख, इधर देख, तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो इस हलफनामे पे दस्तखत कर दे या फिर अपनी बीनड़ी को विधवा करने का प्रबंध करना। ना ना साहब, मैंने कुछ ना किया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। छोड़ दे, दस्तखत तो तेरा बाप भी करेगा, अपने आप कर दे, नहीं तो तेरा हाथ तोड़कर हम अपने आप ही करवा लेंगे। ना मैंने कुछ ना किया साहब, मैं निर्दोष हूँ, मैं छोड़ दो। मान जा, यहाँ से समझा रहे, मान जा, साइन कर, नहीं करेगा, नहीं करेगा। मैंने कुछ ना किया साहब। मत मारो रे, अरे मत मारो,
कहा था ना, काम हो गया है। अगर सबूत चाहिए उन्हें तो खजान की चीखें सुना सकता हूँ अभी। ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। लो सुन लो, भगवान जी भी किश्तों में खुशियां बांटते हैं। खजान सिंह की चीखें तो सुनवा दी पर जरा सी कसर छोड़ दी। काश मैं वहां होता और काश कल्याणी के दोनों छोरे बसंत और भैरव वहां होते और अपने समधी की चमड़ी उधेड़ते हुए देखते और काश उसकी चमड़ी उधड़ती हुई देख के उनके चेहरों पे जो दर्द उभरता उसे मैं वहां खड़ा होकर देख पाता। चलो भगवान जी की जैसी मर्जी। महावीर सिंह जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं क्या मैं आपसे? दरोगा साहब, कैसी बात करो हो हैं? आप सलाखों के उस तरफ, मैं सलाखों के इस तरफ, बुरा मानने का हक तो बस आपको है, हमारा का ही काम है। महावीर सिंह जी, आपकी दुश्मनी कल्याणी देवी से है, फिर आपने इस मामले में खजान सिंह को क्यों फंसाया? भाई आप चाहते तो सीधी वार कर सकते थे उस पर। दरोगा साहब, किसी के गाल पे सीधा थप्पड़ मारा तो के थप्पड़ मारा? अरे थप्पड़ तो वो है जो किसी के मान सम्मान पे, किसी के रिश्तों पे पड़े। फसाने को तो मैं कल्याणी और उसके छोरों को फंसा सकता था, पर होता कि वो सारे के सारे एक हो गए, इस अपमान, इस बेइज्जती, इस शर्म और तकलीफ को पी जाते, बल्कि इकट्ठे हो गए मारे से बदला लेने की ओर सोचते। लेकिन ये जो चोट पड़ी है यो सिर्फ खजान सिंह पे नहीं पड़ी है, यो चोट पड़ी है उस घर की एकता में। कल्याणी देवी के छोरे अपनी बींदनी की खुशी के लिए उसके बाप को छुड़वाने की खातर सारी दुनिया ऊपर से नीचे एक कर देंगे और जितनी भागदौड़ वो उसको छुड़वाने के लिए करेंगे, कल्याणी देवी के दिल में उतनी ही आग भड़केगी और जितनी आग कल्याणी देवी के दिल में भड़केगी उतना ही मारे कालचे में ठंडक पड़ेगी। कल्याणी तो चाहेगी कि उसके छोरे घर की इज्जत बचाने की खातिर इस मामले से बिल्कुल दूर रहे और वो छोरे एक अच्छे समधी का फर्ज निभाने से पीछे टलने वाले नहीं है। और नतीजा क्या होगा है? घर में जुत्तम जूत। और फिर देखना था
हवेली की दीवारों में दरारें ही नहीं खाइयां पड़ेंगी, इतनी बड़ी बड़ी खाइयां। कल्याणी देवी आजकल बहुत उड़न लग रही है ना, बहुत खुशियां मना रही है, बहुत घमंड है उसे। और दूसरे पुत्ते के आने के बाद तो वो अपने आप को बिल्कुल ही सातवें आसमान पे समझने लग रही है। ऊंची उड़ान भरने वाले परिंदे के पर काटने में जो मजा आवेगा ना, वो मजा कहीं और नहीं आ। अगर ये महावीर सिंह निर्बंसिया मरेगा ना, कल्याणी की हवेली में भी कबूतरों के अलावा और किसी को डोड़ने नहीं दूंगा मैं। नौ रात से एक दूसरे काम के वास्ते कहा था मैंने, उसका किया। महावीर सिंह जी, आपका वो काम भी समझो हो ही गया। वो जो ईमानदार अफसर था ना भाई, मैंने तो उसका तबादला ही करवा दिया है। अब आपके रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप आराम करो। चलता हूँ मैं। जय राम जी की। राम राम जी। हाँ ये वकील साहब, हम लोग आप ही का रास्ता देख रहे थे। बेल एप्लीकेशन और कुछ जरूरी कागजात तैयार करवा लिए हैं मैंने। अब 2 बजे सुनवाई के लिए हमें जिला न्यायालय चलना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर हम लोग भी चलते हैं। हाँ लेकिन अभी तो काफी समय है, ऐसा करते हैं पहले घर चलते हैं। कल से हम लोग यहीं पर हैं, सब लोगों को वहां पर चिंता लगी होगी। ठीक है। संधि से लालचंद जी, खजान भाई जी के लिए गवाही देने चलेंगे हमारे साथ। ठीक है। समधन सर, खजान सिंह जी की जमानत के लिए तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। लेकिन फिलहाल मैं ये सोच रहा था कि आप हमारे साथ हमारे घर क्यों नहीं चलती, यहाँ अकेले क्या करेंगी आप, क्यों भैरव? जी भाई साहब, समधन साहब जब तक समधि जी लौट कर नहीं आते, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए और वहीं आनंदी के साथ रहिए। ना समधी सा, मारे को कहीं ना जाना, आप बस आनंदी के बापू को छुड़वा दो, बहुत उपकार होगा आपका। लेकिन यहाँ अकेले ना अटे रहूंगी तो दरोगा के हाथ पैर जोड़ के आनंदी के बापू को देखाऊंगी, इतनी दूर रहूंगी तो सारा वक्त उनकी चिंता सताती रहेगी, मारे को अठे ही रहना है। ठीक है समधन साहब, जैसा आप चाहें। कृष्णा जी आप इनका ध्यान रखिएगा, देखिएगा कि खाना वगैरह सब। भाभी साकी चिंता ना करो, मैं हूँ इनके पास। आप तो भाई जी को जल्दी से ले आओ। भगवान ने चाहा तो खजान सिंह जी जल्दी लौट आएंगे, चलते हैं हम लोग। मासा, ये भाई सा और सुखना के बापू ना लौटे हैं अब तक। अरे चिंता ना करो सुमित्रा, आ जाएंगे। हाँ तो पंडित जी आप बताओ, हमारे पोते की कुंडली तो बना दी आपने, अब उसके भाग में क्या लिखा है देवी बता दो। बच्चा बहुत ही भाग्यशाली होगा माजी साहब, तभी तो आपके कुल में जन्म लिया उसने, और इस कुंडली के हिसाब से बच्चा बड़ा होके बहुत ही ज्ञानी और संस्कारी होगा, यही नहीं आपकी तरह धर्म और कर्म करने वाला होगा। अच्छा,
बहुत ही यश लिखा है उसके भाग्य में। हाँ। बस महारा पोता स्वस्थ रहे, खूब जस कमावे और कोई विपदा ना आवे उसके जीवन में। ऐसा ही होगा माजी साहब। तो आप यहीं बैठो, मैं दक्षिणा लेके आऊंगा। आनंदी क्या हुआ? सासू माँ, पंडित जी से मुझे कुछ पूछना है। तुझे क्या पूछना है पंडित जी से? कुछ पूछना। अच्छा जा पूछ ले। पंडित जी। बोलो बेटा। मेरे बापू को पुलिस पकड़ के ले गई। मेरे बापू ने कभी कोई गलत काम ना किया, फिर भी उन्हें ले गए। अब बताइए ना, मेरे बापू को कब छोड़ेंगे पुलिस वाले? पुलिस तो चोर और डाकुओं के लिए होती है ना। हमारे बापू तो किसान है, वो कभी कोई बुरा काम ना करेंगे। बताइए ना पंडित जी। धीरे से काम लो बेटा, दुखी मत। ईश्वर से अपने बापू के लिए प्रार्थना करो। देखो बेटा, हर इंसान को अपने कर्मों की सजा मिलती है, चाहे वो इस जन्म में करे या पिछले जन्म में करे। तुम्हारे बापू से भी कुछ गलती हो गई होगी। वो तो मुझे पता नहीं, पर ऐ छोरी, अरे काई मठा खावे पंडित जी का है? अपने बापू का रोना रोवे? क्षमा करना पंडित जी, छोरी ने ना हक आपको परेशान किया। ऐसी कोई बात नहीं माजी साहब। जी आपकी दक्षिणा, बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता मत कीजिए माजी साहब, बच्चों को अपने माँ बाप से लगाव होता है। बीवी का दुखी होना भी स्वाभाविक है। अच्छा मुझे आइए। कोई भार का आवे तो अपने मन से जो जी चाहे जाके पूछ लेगी किसी से भी। अपने बड़ों की आज्ञा लेना जरूरी ना समझे। मासा आनंदी ने मुझसे चुप रहे, बिंदड़ी बीच में ना बोल। ये पंडित जी क्या मदद कर देवेंगे थारे बापू की, इतना बता दे मुझे। छूट के आ भी जावेंगे ना थारे बापू तो किसी और मुसीबत में फंस जावेंगे। सारे बुरे ग्रह लिखा के लाए अपने नसीब में, भगवान बचाए। ना तुम्हारो साथ छोड़ने वाले अब, ना हमारे छोरों का। ऊपर से गांव में बदनामी कि कल्याणी देवी के समझी को पुलिस पकड़ के ले गई। नाक कटवा दी थारे बापू ने मारी, हमारे छोरों को फंसा के ले गए छोर लग। अरे विदेशी हथियार बरामद हुए थारे बापू के खेतों में, कुछ छोटी बात तो ना है? अब तक ना आवे घर की बहू से ये अपेक्षा रखना कि वो शादी के बाद अपने मायके वालों के सुख दुख में हंसने रोने का अधिकार भी त्याग दे अन्याय है।